बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी लाए हैं जो आप बग़ैर चूल्हे के पास खड़े हुए और इसको इजीली अपने मेहमानों के लिए या अपने घर के लिए बना सकते हैं। तो रेसिपी का जो नाम है वो है मैंगो डिलाइट। तो मैंगो डिलाइट बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने एक आम की प्यूरी ली हुई है, एक आम की स्किन उतार कर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो मलाई वाला दूध होता है 4 से 5 टेबल स्पून वो डाल के इसको ब्लेंड करके रखा हुआ है। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ का हमने मैंगो लेकर उसको क्यूब में कट करके रखा हुआ है। और यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली हमने 3 से 4 टेबल स्पून ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने लिया है बिस्किट, हम सुपर बिस्किट यूज़ कर रहे हैं। 8 से 10 मैंने इनको चॉपर में डाल के पूरा बिल्कुल क्रश करके रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हम एक ऑल पर्स की 200 ग्राम की हम मिल्क क्रीम यूज़ कर रहे हैं, फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जेली का एक पैकेट लिया था और जेली को बनाने के लिए जो तरीका है वो आप जो जेली के पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनको फॉलो करें, तो उसको देखकर आप बना लीजिएगा, तो ये जेली हमारी रेडी हो जाएगी। इसके अलावा ऊपर से डेकोरेट करने के लिए हमने मैंगो को कट करके रखा हुआ है। चलें तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक यहाँ पर बाउल लिया और उसमें क्रीम डालेंगे, पूरा एक पैकेट क्रीम का लेंगे। इसमें चीनी ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसको इतना फेंटना है कि अपनी ये जो ओरिजिनल इसकी क्वांटिटी है उससे ये डबल हो जाए क्रीम। ये देखें, ये देखें क्रीम अच्छे से फेंट ली हमने। अब आप चाहें तो इसमें वनीला एसेंस के 2 से 3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे, ये मिक्स हो गई है। अब एक अलग से बाउल लेंगे और हाफ क्रीम इसमें ऐड कर देंगे, इसको अलग कर देंगे साइड में। और हमने ये जो मैंगो प्यूरी बना के रखी हुई है इसके लिए हम ये ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको हम साइड में रख देंगे और जो अलग से क्रीम रही थी उसके अंदर हम ये जो मैंगो हमने काट के रखे हैं वो ऐड कर देंगे, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। देखें ये अच्छे से मिक्स हो गई है। बस अब हमारी सब चीज़ें जो हैं वो रेडी हो गई है। अब हम एक सर्विंग बाउल लेंगे और इसमें इसकी लेयरिंग करेंगे। अब सबसे पहले हमने ये जो बाउल लिया इसके अंदर नीचे हम जेली डालेंगे, जेली हमने सेट कर दी है। अब हम इसके ऊपर क्रीम और जो मैंगो प्यूरी का हमने मिक्सचर बना के रखा था वो ऐड करेंगे और इसको सेट करेंगे। ये देखें ये सेट हो गई है। बस अब इसके ऊपर हम बिस्कुटों का चूरा डालेंगे, और इसको भी प्रेस करेंगे, ये हम पूरा डाल देंगे। हल्के हल्के से इसको सेट करेंगे। ये बहुत मज़े का मीठा बनेगा, आप अपने घर में प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और राइट साइड पे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। ये हमने सेट कर दिया। अब इसके ऊपर हमने जो क्रीम में मैंगो मिलाकर रखे हुए थे वो डालेंगे। और इसको भी सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको भी सेट करेंगे। ये देखिए ये भी सेट हो गया है। अब जो हमने यहाँ पे मैंगो के स्लाइस कट करके रखे हुए हैं ऊपर से हम इनको डेकोरेट कर देंगे। सेंटर में लगाते रहेंगे। ये देखें मैंगो हमने डेकोरेट कर दिए। अब आसपास हम जेली के जो पीसेज हैं उनको डेकोरेट कर देंगे, और ये हमारा मज़ेदार सा मैंगो क्रीम डिलाइट रेडी हो जाएगी। अपने घर में ज़रूर बनाएं, और प्लीज़ अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें मुझे।
बस इस तरह सब लगा देंगे। ये देखिए मज़ेदार किस्म का मैंगो क्रीम डिलाइट तैयार होगी, अपने घर पे ज़रूर बनाएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।